हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा, जितना आपसे रेजोनेट हो से रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी जोडिक साइन के लिए भी है, तो आपका जो भी जोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइज, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्ट करते हैं गाइज आपकी रीडिंग को, देखने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या सोच रहे हैं अभी वो। लेट्स सी, ओके गाइस, तो फोकस कीजिएगा अपने पर्सन की एनर्जीज पे। लेट्स सी, ओके, पहला वर्ड चैनल हुआ है गाइस डोमिनेट। ठीक है, आपके पर्सन को आई थिंक कोई डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है इस वक्त में, आपके पर्सन से कोई अकड़ रहा है। ठीक है, मतलब उनको कोई अकड़ दिखा रहा है या फिर उन्हें कोई डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है, अपने अपनी बातें मनवाने की कोशिश आपके पार्टनर से की जा रही है इस वक्त में। ये पहली एनर्जी निकल कर आई है। कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से, जो भी इस पर्सन की अभी हालत है या फिर जो भी ये इनकी लाइफ में चल रहा है, ये आप दूर से खड़े होकर देख रहे हो। यहां से आप कुछ ना रिएक्ट कर रहे हो ना कोई रिस्पॉन्स कर रहे हो उस पर्सन को। ठीक है, और इनको शायद ये चीज मालूम है कि आप इनकी लाइफ के बारे में बहुत हद तक जानते हैं कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, सो ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा भी सोच रहे हैं कि यू नो, आप सिर्फ दूर से देख रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या फिर आपको मतलब इस पर्सन की हेल्प करने का भी मन नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं ये पर्सन ने आपको ये चीज बताई हो सकती है कि इस पर्सन को ही डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, इनको अपने हिसाब से कोई चलाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सो ये वाली एनर्जी यहां पर निकल कर आई है। यहां पर अगेन सेवन चक्रास की एनर्जी है गाइस। ठीक है, यहां पर सेवन चक्रा की एनर्जी यहां पर से बनी हुई है। ओके, सो आपके जो पर्सन हैं इनके चक्रा क्लेंज हो रहे हैं इस वक्त, और एक एक चक्रा डेफिनेटली उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं इस पर्सन के अंदर वो सरफेस हो रहे हैं। ये वाली एनर्जी यहां पर निकल कर आ रही है इस वक्त में। कार्मिक स्पेशली आपके पर्सन को टारगेट कर रहे हैं, और उनके बहुत तेजी से, मुझे कल भी एनर्जी फील हुई थी, कर्मा रिलीज हो रहे हैं, और अभी यहां भी एनर्जी नजर आई है। ये टावर मोमेंट की एनर्जी भी है गाइस। ठीक है, ये मून फेजेस की भी बात कर रहा है, मून साइकिल्स की भी बात कर रहा है यहां पर। ओके, तो मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है इनकी इस तरीके से कुछ एनर्जी निकल कर आई है कि इनको न्यू मून पर आई थिंक ट्रिगर मिलता है और फुल मून तक इस पर्सन की क्लेंजिंग होती है। इस तरह की एनर्जी यहां पर निकल कर आ रही है। स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, यहां पर आप लोगों को 30 अक्टूबर के बाद बहुत सारे कनेक्शंस में चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे कनेक्शंस जो पिछले 16-17 महीने, स्पेशली 16-17 महीने से बहुत ज्यादा खराब थे, और पिछले 16-17 महीने यानी कि 1-1.5 साल से जिनके कनेक्शंस पे ताला लगा हुआ था, अब 30 अक्टूबर के बाद बहुत तेजी से उसमें मूवमेंट देखने वाले हैं गाइस। ठीक है,
सो जिनके भी कनेक्शन 1-1.5 साल से नो कांटेक्ट में है, या फिर बहुत ज्यादा आप दोनों के बीच में अलगाव आ गया है, हस्बैंड वाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, डिवोर्स तक सिचुएशन पहुंच गई, आप 30 अक्टूबर के बाद बहुत बड़ा शिफ्ट देखने वाले हैं अपने कनेक्शन में, स्पेशली आपकी लव लाइफ और करियर दोनों में, ठीक है। सो आपका सवाल आ सकता है कि मैम ऐसा क्या होने वाला है 30 अक्टूबर के बाद? राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा, ठीक है। 17-18 महीने से वो जहां पर भी थे वहां से शिफ्ट करने वाले हैं, तो आपको एक बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर देखने को मिलेगा, स्पेशली आपके लव लाइफ और करियर में, ठीक है। उसकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है, बहुत स्पेशल तरीके से। आपके पर्सन सामने से आकर कॉन्टेक्ट करेंगे आपको और सामने से आकर बात करेंगे आपसे। यहाँ पर वी लेटर है गाइस, ठीक है। इस पर्सन की एक एनर्जी नजर आती है कि कभी भी किसी को भी अपने सिर पे नहीं बिठालना चाहिए, ठीक है। कोई कितना भी आपका प्रिय हो, कभी किसी व्यक्ति को अपने सिर पे नहीं बिठालना चाहिए। कहने का मतलब है किसी को लाइफ में इतनी जगह नहीं देनी चाहिए कि वो आपकी लाइफ को कंट्रोल करने लग जाए। ये इस पर्सन ने लेसन सीख लिया आपके पार्टनर ने, ठीक है। ये लेसन आपने सीखा था भी कुछ समय के पहले, अब ये आपके पर्सन ने सीखा है कि कभी भी लाइफ में किसी को इतनी जगह बना दो कि वो आपके सिर पर बैठकर आपको परेशान करे बाद में, ठीक है। मतलब आपको डोमिनेट करने लग जाए, आपको कंट्रोल करने लग जाए, आपकी फीलिंग्स की कदर करना भूल जाए, इस तरह की एनर्जी यहां पर निकल कर आई है। 7 नंबर निकल कर आया है। यहाँ पर एस लेटर है गाइस, ठीक है, एस लेटर है। ये पर्सन आपसे कुछ मांगते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। कोई हेल्प मांग सकते हैं पर्सन, डेफिनेटली आपसे मदद मांग सकते हैं आज के दिन में। कोई चीज मांगती हुई पर्सन आपसे नजर आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आप मदद कर भी रहे हो आई थिंक, या फिर आप देने की कोशिश कर रहे हो जो भी ये पर्सन आपसे मांग रहे हैं। कल भी आई थिंक ये रीडिंग में था तो कि आपके पर्सन आपसे हेल्प चाहते हैं, तो मैंने आपसे यही कहा था कि अगर आपकी ऊर्जा उस स्तर की है कि आप हेल्प कर सकते हैं तो ही आप हेल्प करें, ठीक है। मतलब अगर आप 200 की एनर्जी आपके पास है, 200 तक आप चार्ज कर पाते हैं एक दिन में खुद को, और अगर आप 150, 170 दान करते हैं तो फिर 20-30 में आपका काम कैसे चलेगा, आपका खुद का काम कैसे चलेगा, ठीक है। तो अगर इस तरह की एनर्जी है तो आपको देखने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद ही आप अपनी एनर्जी को किसी को भी दें, ठीक है। अदरवाइज आप अपने आप में बहुत थकान महसूस करेंगे, बहुत ज्यादा आपको अपने आप में ऐसा फील होगा कि आप दिन भर सोते हैं या फिर दिन भर नींद ही आ रही है आपको, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी की कमी हो जाएगी, ठीक है। अगर आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई है तो आप हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आपके पर्सन हेल्प के लिए बोल रहे हैं, डेफिनेटली हेल्प लेंगे आपकी। यहाँ पर आपके लिए वो दरवाजा खुलते हुए नजर आ रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है डोर टू रोमांस का दरवाजा है ये, ठीक है। यहाँ पर एंजल्स की भी एनर्जी फील हो रही है, जैसे आपके लिए वो रोमांस का दरवाजा दोबारा खुलने जा रहा है, ठीक है। और ये दरवाजा कहीं ना कहीं आपके पर्सन खोलने वाले हैं, ऐसा भी यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। यहाँ पर आपकी ग्रैंड मदर, ठीक है, ग्रैंड मदर इस तरह की भी एनर्जी है। इनका सपोर्ट मुझे स्पेशली नजर आता है, ठीक है, या तो आपको है या तो आपके डीएम को है, आपके पार्टनर को है, बट यस यहाँ पर ग्रैंड मदर का स्पेशल सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। ये एंसेस्टर हैं तो डेफिनेटली इनका भी सपोर्ट आप कह सकते हैं।
यहाँ पर एक एनर्जी है, आपके जो पर्सन है वो आपके जो पर्सन है आपको टेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर ये मैसेज आज के दिन में निकल कर आया है, ठीक है। यहाँ पर मतलब ऐसी एनर्जी है गाइस, जैसे ये पर्सन आपको कोई सरप्राइज दे रहे हैं, सरप्राइज देने के पहले ये आपको कुछ और बातें बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब जैसे ये कुछ देना चाहते हैं आपको या फिर कुछ देने के बारे में सोच रहे हैं, उसके पहले ये आपसे कुछ और बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब ये करना कुछ और चाहते हैं, बोल कुछ और रहे हैं आपसे। तो कहीं ना कहीं ये टेस्टिंग की एनर्जी नजर आती है, जैसे ऐसा हो सकता है आपके पर्सन के थ्रू यूनिवर्स आपको टेस्ट करने की कोशिश करें कि आज भी आप रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्स करना सीख गए हैं, या फिर आपके अंदर कुछ बदला है या नहीं। मतलब जैसे ये इस पर्सन के थ्रू आपको टेस्ट कर सकते हैं। ये पर्सन आपको कुछ आपके लिए कोई ऑफर लेकर आ रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन ये आपसे कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो आपको शायद पसंद ना आए, तो उसकी वजह से हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग रिएक्ट करें, ठीक है। बट ये बिल्कुल ऐसी एनर्जी है कि मुंह पर बोलेगा इंसान कुछ और करने आया कुछ और है। ये आपके रिएक्शन पर डिपेंड करेगा कि आपके पर्सन जो क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने बहुत ही ज्यादा रिएक्ट कर दिया या फिर कुछ ऐसा कर दिया जो पास्ट में करते आए थे, तो हो सकता है कि आपकी ये जो ब्लेसिंग है वो कुछ समय के लिए टल जाए, ठीक है। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया और मैच्योरिटी के साथ आपने डील किया, तो मुझे लगता है कि आपको वो ऑफर मिलने वाला है जो आप ऑफर बहुत लंबे टाइम से चाह रहे हैं। इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल कर आया, डोंट नो ये मैसेज दिया है यहाँ पर, तो डेफिनेटली टेस्टिंग किसी की हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। आपकी एनर्जी में ये चीज पर्सन एक चीज देख रहे हैं, पहले आप बहुत ज्यादा जेलस होते थे, ठीक है। ये भी यहाँ पर मैसेज है, कोई भी चीज होती थी आपके पर्सन की लाइफ में या फिर कुछ भी इस पर्सन ने पास्ट में किया है, तो आप बहुत ज्यादा जेलस हुए, इनसिक्योर हुए या फिर आप बहुत ज्यादा रिएक्ट किए। बट अभी जो एनर्जी आपकी आती है उसमें आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि अब आप क्यों ज्यादा ना तो आप ज्यादा रिएक्ट करते हो या फिर ज्यादा आप ना तो इनसिक्योर होते हो, ना ही आप बहुत ज्यादा जेलसी रखते हो। तो मतलब आपको अब जेलसी होना भी बंद हो गई, इनसिक्योरिटी होना भी बंद हो गई। जिन चीजों पर आप बहुत ज्यादा पास्ट में जलते थे, इनसिक्योर होते थे, वो काम आपने बंद ही कर दिए, ठीक है। ना अब आपको इनसिक्योरिटी होती है इस पर्सन से, ना ही आपको इस पर्सन से कोई जेलसी होती है। ये पर्सन के लिए ये चीज काफी शॉकिंग है, क्योंकि ये चीज में इस पर्सन को ऐसा लगता था कि आप इन्हें इतना अपना मानते हो इसलिए आप इस तरीके से बिहेव करते हो। अब क्योंकि आपने ऐसा करना बंद कर दिया, तो इनके मन में ऐसा प्रश्न आता है आपको लेकर कि अब शायद आपको इस पर्सन से उतना फर्क नहीं पड़ता, या फिर उतनी सारी फीलिंग्स आपके मन में इस पर्सन के लिए रह नहीं गई हैं। ये भी यहां पर मैसेज निकल कर आ रहा है। ओके, मतलब आपने अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर लिया, जो आप ओवर दिखाते थे अपने पर्सन को या ओवर शो ऑफ करते थे, वो इस पर्सन को अब दिखना बंद हो गया। तो इनको ऐसा लगता है कि अब आपकी एनर्जीज ऐसी हो चुकी हैं, या तो कि आपके मन में ये पर्सन उतने ज्यादा नहीं है, ठीक है। ये इस तरीके का मैसेज दे रहे हैं। मतलब अगर कोई इंसान इनसिक्योर नहीं हो रहा, जलस नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि उसने कनेक्शन में कहीं ना कहीं एक तरीके से बैलेंस क्रिएट कर लिया है या फिर लेट गो कर दिया। इसके दो ही कारण होते हैं। ये एनर्जी यहां भी है। ओके गाइस, सो कार्ड से देखने की कोशिश करते हैं। ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज अभी आपको लेकर क्या है। लेट्स सी। हैंड एम्परर, किंग ऑफ शॉर्ट्स, फाइव ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स।
ओके यहाँ पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, 30 अक्टूबर के पहले तक, ठीक है, जिनकी 1.5 साल से मतलब कनेक्शन बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन में, पूरी पूरी यहाँ पर चांसेस हैं कि उनकी बात होगी उनके पार्टनर से, और बहुत सारे लोग कनेक्शन हील हो जाएंगे, बहुत सारे लोग के कनेक्शन यू नो यूनियन में आएंगे, ठीक है, 101% बहुत सारे लोग कनेक्शन यूनियन में आएंगे। तो उतने समय तक गाइज आप अपने ऊपर अच्छा इनर वर्क कर सकते हैं, सिस्टमैटिक इनर वर्क कर सकते हैं, ताकि जब भी आपके पार्टनर वापस लौटें आप तैयारी के साथ उनको फेस कर सकें, क्योंकि यहां पर भी बहुत सारी इस तरीके की एनर्जी आपके अंदर हो सकती है जो आपको रिलीज करने की जरूरत है, ठीक है, गुस्से वाली या फिर जो भी है, जो लोग भी यूनियन को एक्चुअली में मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि 30 अक्टूबर के बाद राशि परिवर्तन हो रहा है, सो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के कनेक्शन हील होंगे यहाँ पे, ठीक है, 1.5 साल से पड़े कनेक्शन मूवमेंट में आएंगे, और आप ये लिखवा लीजिएगा कहीं पर भी, ठीक है। सो ये चीजें हम मैंने आपको पहले ही बता दी, तो यहाँ पर उसकी शुरुआत हो चुकी है और आपके पर्सन फेस करना स्टार्ट कर चुके हैं टाओ मूवमेंट्स को, ठीक है। ओके यहाँ पर पहला ही कार्ड हैंग्ड आया है गाइस, ठीक है, आप फिर से देखिए हैंग सिचुएशन आपके पर्सन की, हैंग्ड एंड 5 ऑफ कप्स, ठीक है, रिग्रेट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है इस वक्त में, रिग्रेट की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और ये जो इंसान है ना, ये एम्परर, ठीक है, एम्परर की दो साइड्स हैं, यहाँ पर दो कार्ड्स आए हैं, एक है किंग ऑफ कप्स एंड एक किंग ऑफ शॉर्ट्स। आप यहाँ पर किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ शॉर्ट्स को देखकर ये समझ सकते हैं, किंग ऑफ कप्स एक इमोशनल एनर्जी है, किंग ऑफ शॉर्ट्स एक प्रैक्टिकल एनर्जी है। आपके जो पर्सन है इन्होंने इमोशनल और प्रैक्टिकल लाइफ को आई थिंक बैलेंस करना सीख लिया है, और एम्परर जो है कहीं ना कहीं ये एनर्जी ऐसी होती है कि इंसान अपने मुंह से बातों को कम खोलता है, ठीक है, इसके मन में बहुत कुछ होता है बट ये दिखाता बहुत कम है, या फिर ये अपने आप को बहुत मैच्योर दिखाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर इनके अंदर की जो इमोशनल साइड है वो डेफिनेटली बाहर निकल रही है यहाँ पर, तो ये आपसे अपनी बातें जितनी भी हैं सब शेयर करेंगे, ठीक है। और अगर इस पर्सन की अवेकनिंग हुई है जैसा मुझे नजर आ रहा है, हैंगमैन भी कहीं ना कहीं अवेकनिंग की ही बात करता है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये भी इसी की बात करता है कि किसी इंसान को यूनिवर्स ने अच्छा खासा ट्रेन करके रखा है या ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी जो पर्सन है, एक बार जो इंसान अवेकन होता है फिर वो झूठ का सहारा नहीं लेता, या फिर वो कहीं ना कहीं जो भी होगा उसकी लाइफ में वो सच बोलेगा, या फियर की एनर्जी उससे रिलीज हो जाती है। तो यहाँ पर ये नजर आता है कि आपके जो भी पार्टनर हैं, जो बहुत ही सोच समझ कर नाप तोल कर आपसे बोलते थे, या फिर यू नो मैनिपुलेट करने की नेचर थी इस पर्सन की, तो ये वही बोलेंगे जो सच है, ठीक है, आपको मैनिपुलेट नहीं करेंगे पर्सन। यहाँ पर 1.5 साल में अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन के अंदर भी हुआ है, यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। फिलहाल तो ये पर्सन मुझे अकेले नजर आ रहे हैं, लेकिन इस पर्सन ने एक चीज नोटिस की कि घमंड इंसान को अकेला कर देता है, ठीक है। और अगर आप अपनी लाइफ में अपने आप की नहीं सुनते, या फिर अपने इमोशंस की नहीं सुनते, तो कहीं ना कहीं इस चीज का भुगतान कोई और नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ आप ही करते हैं। जैसे आप अपनी लाइफ में अगर इमोशंस को नहीं चुन रहे हैं, फीलिंग्स को नहीं चुन रहे हैं, पार्टनर को नहीं चुन रहे हैं, जो आपकी खुशी अगर आप उसे नहीं चुन रहे हैं, डेफिनेटली जो चीजें जो भी रिजल्ट आएंगे उसके उसमें सफर आप ही को करना है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ के डिसीजंस ऐसे लिए हुए हैं, तो उसके बाद आपसे जो लोग जुड़े हुए हैं उन पर उतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सारा असर आपके ऊपर ही पड़ता है। ऐसा आपके पर्सन ने यहाँ पर सीख लिया है, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को ये चीज समझ में आ गई है कि जो भी होता है अगर आपकी लाइफ का डिसीजन है और आपकी लाइफ से रिलेटेड हो रहा है, तो उसका पूरा का पूरा खामियाजा आप ही भुगतेंगे और कोई नहीं भुगतेगा। आपके आसपास के सारे लोगों को कुछ नहीं रीजन पता होता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो तो आपको खुश ही देख रहे हैं, आप उन्हें खुश दिखा रहे हो खुद को, बट आपको पता होता है कि आपकी लाइफ कैसे चल रही है। तो ये इस पर्सन की एनर्जी है। तो कुछ लोगों के पर्सन उनके इमोशनल साइड बाहर निकालेंगे और बिल्कुल ऐसा बोलेंगे कि इनको बहुत पछतावा है इन्होंने जो भी किया, ठीक है, कुछ मांगते हुए भी नजर आ रहे थे, अपना अकेलापन भी, अपना दुखड़ा भी डेफिनेटली रो सकते हैं पर्सन, भले कितना एटीट्यूड हो, उस पर्सन का सारा एटीट्यूड सर पैर से नीचे उतरेगा गाइस, डेफिनेटली यहाँ पर कोई ईगो यहाँ पर रहने वाला बिल्कुल नहीं है। ओके यहाँ पर एक सवाल आया था किसी का, मैम अगर हम डिवाइन जर्नी में हैं और हमारे पार्टनर ये वो, देखिए अगर आप किसी डिवाइन जर्नी में हैं तो फोकस किस पर होना चाहिए आपका, पार्टनर पर कि डिवाइन पर, ठीक है, जिसने डिवाइन जर्नी दी है वो डिवाइन जर्नी कंप्लीट कराएंगे, वो आपकी लाइफ में उन्होंने पहली प्लानिंग की हुई कि वो आपकी लाइफ में कब क्या आपको कैसे देंगे। डिवाइन जर्नी वाले कंट्रोल करने की कोशिश क्यों करते हैं भाई, ये एक बात सुन लो आप, अगर आप डिवाइन जर्नी में हो तो आप अपने पार्टनर की तरफ या फिर उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी मैरिज में क्या चल रहा है, उसका ये उसका वो, डिवाइन जर्नी वाले खुद पर फोकस करें और परमात्मा पर फोकस करें, आपका जो ध्यान है वो परमात्मा पर होना चाहिए, ना कि अपने पार्टनर के ऊपर,
ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ में डिवाइन जर्नी उन्हें आपने दी है, आपने उन्होंने आपको दी है, तो पूरी भी वही कराएंगे। आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करें और जो भी आपके हिस्से में काम आता है ना, आप अपना काम करें बिना ये सोचे कि रिजल्ट क्या आएगा। ये जर्नी बहुत ही मैजिकल जर्नी है, बहुत तरीके के चमत्कार आपको इसमें देखने को मिलेंगे और ये जर्नी बहुत ही ज्यादा मतलब गाइडेड जर्नी है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि एक को खुशी मिलेगी और एक ऐसा ही रह जाएगा, इसमें दोनों को बराबर से मिलता है जो भी मिलता है। तो अगर एक के पार्टनर के हिस्से में खुशी आएगी तो दूसरे के में भी आएगी, ठीक है। सो आपके लिए पूरी जर्नी प्लान होती है वो, ठीक है। सो आप जितने भी लोग डिवाइन जर्नी को लेकर बड़े परेशान होते हैं, भाई वो गाइडेड जर्नी है, जिसने दी है वो कंप्लीट कराएगा। आप सिर्फ अपना काम करो ना, इना वक्त करो ना, आप क्यों इतना परेशान होते हैं उसको लेकर कि मैम हम इस जर्नी में है तो हम और क्या क्या कर लें, ठीक है। आप सिर्फ अपना इना वर्क करो, सिस्टमेटिक इना वर्क करो और अपनी कमियों पे काम करो, बाकी आप देखिए आपकी लाइफ में चीजें ऑटोमेटिक अनफोल्ड होती हैं। इस जर्नी को जो भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं वही परेशान रहते हैं। अल्फाबेट्स देख लेते हैं, आज के दिन में भी मुझे लगता है किसी को हाय हेलो का मैसेज आ सकता है या फिर आपके पर्सन आपको आपसे बात कर सकते हैं। यहां पर एक लेटर बन रहा है वर्ड बन रहा है हिना, ठीक है। तो हिना किसी का नाम हो सकता है, एक और वर्ड बन रहा है रीना, ये भी किसी का नाम हो सकता है। 6 और 9, जितने लोग भी यहाँ पर 6 और 9 69 नंबर है, तो एंजल नंबर जिसको भी 69 नंबर नजर आ रहा है बहुत ज्यादा या 96 नंबर नजर आ रहा है, वो ऐसा मान सकते हैं कि उनके पर्सन की अवेकनिंग चल रही है, ठीक है। बहुत ज्यादा 69 दिखता है अगर आपको, तो यहाँ पर अगेन एक वर्ड बना है डीएनए। तो आपकी लाइफ में अभी जो भी हो रहा था वो कहीं ना कहीं एंसेस्ट्रल कर्स की वजह से हो रहा था, यहाँ पर एंसेस्ट्रल हीलिंग डेफिनेटली हुई है, ठीक है। यहाँ पर एक मैसेज एक वर्ड रीवा भी बना है, RIVA, ठीक है। तो आप कुछ और वर्ड्स बन रहे हैं तो आप बना सकते हैं, और यहाँ पर RIDNAXVHOX और 69 एंजल नंबर निकल कर आया है, ओके। सो गाइज एक मैसेज ले लेते हैं आपके पर्सन का। I want to hold you tight. ये पर्सन आपको टाइटली होल्ड करना चाहते हैं। You have a pure heart. Don't let anyone or anything ever change that. आपके पर्सन कह रहे हैं कि आपका जो दिल है वो प्योर है, सो कभी भी किसी को भी अपने आप को चेंज ना करने दें। ओके सो गाइज ये आपकी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई है तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।